आखिर डिंपल यादव ने बता ही दी मायावती के पैर छूने के पीछे की कहानी। सपा बसपा के मजबूत गठबंधन से आज पूरे देश के अंदर समीकरण कुछ और ही नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस अपने आप को हताश महसूस कर रहे हैं और मुद्दों की बात ना करके जनता को बहकाने का पूरा काम कर रहे हैं। वहीं सपा बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी लोग एक ही मंच पे नजर आ रहे हैं और साथ में मिलकर जन प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर एक सभा के अंदर डिंपल यादव ने जब मायावती के पांव छुए तो पूरे देश में हाहाकार मच गया कि आखिर डिंपल यादव ने क्यों छुए मायावती के पैर। लेकिन उन्होंने एक सभा में दोबारा से बताया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने बताया कि मंच पर मायावती के पैर छूने में हैरान होने जैसा कुछ भी नहीं है। वहीं अखिलेश ने कहा कि भारतीय परंपरा भी सिखाती है कि बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। डिंपल यादव से जब पूछा गया कि आपने पांव क्यों छुए तो उन्होंने कहा कि मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लेने में हैरान होने वाली कोई भी बात नहीं है। उन्होंने कहा, हम लोग मंच के पीछे मिल चुके थे लेकिन मंच पर चूंकि मेरे और उनके भाषण हुए पहली बार और मैं उनका मन से दिल से बहुत सम्मान करती हूं और आज मैं ही नहीं पूरे देश की जनता उनका उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करती है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि डिंपल ने मायावती के इसलिए सम्मान किया क्योंकि मायावती ने डिंपल को बहू कहा और कहा कि मेरी बहू की तरह तो डिंपल ने पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद ही लिया। अखिलेश की माने तो भारतीय संस्कृति में बहू बड़ों के पैर छूती है, वहीं बसपा सुप्रीमो ने भी उनको बहू का दर्जा देते हुए उनके सिर पर हाथ फेरा, स्नेहपूर्ण आशीर्वाद दिया। बल्कि अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा कि बसपा सुप्रीमो जो बहन कुमारी मायावती हैं वो जात पात की राजनीति नहीं करती हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि जात पात पर उन्हें ना तो कभी विश्वास था और ना रहेगा। उन्होंने कहा कि इसका बड़ा सबूत उनकी शादी है। डिंपल यादव दूसरी जाति की हैं और वो दूसरी जाति से हैं लेकिन जात पात की दीवार को तोड़ते हुए दोनों ने शादी की। अखिलेश ने कहा, मैं जातिवादी नहीं हूँ। सभी न्यूज चैनल वाले अपने अपने तरीके से इसका गणित लगाने लगे लेकिन यह अखिलेश ने और डिंपल यादव ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि हम लोगों का पारिवारिक गठबंधन है जिससे पूरे देश के अंदर सपा बसपा की ताकत और इसका एहसास जनता को भी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।